Hello and uh, very good morning to all. Welcome to the class. So this is our daily analysis. Hello everyone. Am I audible? Hello Rajni. Good morning. Hello Pratham. Hello Gurpreet. Very good morning. So let's get started and. Uh, वी आर कवरिंग द न्यूज़ फ्रॉम द पर्स्पेक्टिव ऑफ बिल्स एज़ वेल एज मीन्स रिगार्डिंग दिस टाइम इशू ये हम कपल ऑफ डेज में इस्पेशली uh, चार तारीख बाद हमारा ये इशू सॉर्ट हो जाएगा बिकॉज आई एम हैविंग वन क्लास एट एट एम नहीं क्लास आपकी रहती है आर्ट से नो तो उस वजह से थोड़ा सा डिले रहता है हालांकि आपका काफ़ी लेक्चर पहले भी प्रिपेयर हो जाता है बट स्टिल uh, तो ये इशू टाइम वाला हम चार तारीख बाद हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पॉजिटिव नोट के साथ में और दिस इज अबाउट द लाइंस ऑफ इंस्टन चर्चिल सक्सेस इज नॉट फाइनल एंड फेलियर इज नॉट पैटल इट इज द करेज दिस वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कंटिन्यू दैट काउंट्स ओके करेज टू कंटिन्यू करेज टू कंटिन्यू का मतलब हो गया कि आपको अगर आप कोई गोल अचीव करना चाह रहे हो आपने प्रयास किया आपको सफलता नहीं मिल रही है है ना बट यू डिसाइड नॉट टू क्विट जब तक आप क्विट नहीं करते हो है ना प्रयास आप करते रहते हो एक ऑनेस्ट प्रयास वहाँ पे होना चाहिए सही दिशा में ऑनेस्ट प्रयास का क्या मतलब है कि आपने जो पिछला प्रयास किया उसके अंदर क्या गलतियाँ आपने की लाइक like, जैसे कुछ बच्चे हैं किसी का प्रॉब्लम्स नहीं निकल पाता है ना तो प्रॉब्लम्स में क्या आपने किया प्रैक्टिस नहीं की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं देखा या रिविज़न नहीं किया बहुत सारी एक सब्जेक्ट पर मल्टीपल चीज़ों को पढ़ा या फिर अगर आपका प्रॉब्लम्स निकल रहा है मेंस के अंदर इशू आ रहा है मान लीजिए आपने आंसर राइटिंग नहीं की या आपने टेस्ट ज्वाइन किए सारे टेस्ट नहीं लिखे क्योंकि टाइम पे पूरा नहीं हो रहा था पेपर फाइन तो आपने बेहतर समझा कि टेस्ट नहीं लिखते हैं ना ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है सो इन दिस केस यू वॉन्ट बी हैविंग एनी चांस टू क्रैक द एग्जाम तो वो चीज़ है वो एक ऑनेस्ट प्रयास है उसकी यहाँ पर चर्चा हो रही है ऐसा नहीं बिल्कुल आँख बंद करके जो गलती हमेशा कर रहे हो उसी को दोहराई जा रही है तो दिस इज द ओवरऑल थिंग दिस इज़ द करेज हियर Uh, कि अपने एफ़र्ट को ऑनेस्ट बना के कंटिन्यू रखना और जब तक आप क्विट नहीं करते हो डेफ़िनेटली सक्सेस आपके पास रहेगी तो इस पॉजिटिव नोट के साथ आज हम सेशन स्टार्ट करते हैं जो नए बच्चे हैं मेक श्योर कि आप मुझे फॉलो करें ये टेलीग्राम चैनल है इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे आपकी पी मिल जाती हैं पूरे सेशंस की और जो भी क्लास रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको यहाँ पे अवेलेबल होती हैं तो चलिए स्टार्ट करेंगे हेलो नीतू हेलो संध्या हेलो विशू हेलो पुनीता वेलकम टू द क्लास आ, पुनीता इट हैज़ बीन सो लॉन्ग है ना काफ़ी टाइम बाद आपको यहाँ लाइव में देखा है आई होप यू आर डूइंग फाइन चलिए स्टार्ट करते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन है जैसे आ, अभी आपका प्रॉलिम्स आ रहा है तो जो दो या तेईस वाले बच्चे हैं उनके लिए ये आ, आपके काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं प्रोलिम्स की टेस्ट सीरीज के लिए बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ आप घर बैठे प्रम्स uh, को जो है एक्सेस कर सकते हैं ना टेस्ट मोड के अंदर क्योंकि कुछ बच्चों का ये रहता है कि टेस्ट पेपर देने जाना है और ये सब चीज़ें तो वहाँ पे आपको ये 56 नंबर ऑफ टेस्ट वन ईयर के लिए अवेलेबल हो जाता है 2023 वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा ये ऑप्शन है इसके अलावा अकेडमी से आप जुड़ सकते हो जहाँ पर बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज आपको मिलते हैं घर बैठे कंप्लीट प्रिपरेशन आप कर सकते हैं लाइव क्लासेस डाउट सॉल्विंग स्टडी मटीरियल टेस्ट सीरीज ओके एवरीथिंग इज़ देयर ऑन वन प्लेटफॉर्म्स अन अकेडमी प्रोवाइड्स यू वन पॉइंट सोल्यूशन फॉर यू पी एस सी प्रिप्रेशन सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जब आप उस पर क्लिक करते हैं आगे बढ़ सकते हैं यूज द कोड आर बी लाइक टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड पर्सनलाइज गाइडेंस जीएस पेपर टू से स्टार्ट करेंगे आप सभी को पता होगा न्यूज तो आ गई थी कल काफी चर्चा में भी रहा था अफसफा जो है कुछ पार्ट से मतलब काफी सारे पार्ट्स हैं जहां से हटाया गया है खत्म नहीं किया है ना रिड्यूस कर दिया है पार्ट्स में कौन कौन से हैं नागालैंड नागालैंड जहां पे सबसे पहले अफसफा लगाया गया था अफसफा क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ यू हैव दिस आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट ठीक है तो यू शुड बी हैविंग आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट जो है इसको लिफ्ट किया है आसाम नागालैंड मणिपुर के काफी सारे पार्ट से इसको हटाया गया जैसे आसाम के लगभग ट्वेंटी थ्री डिस्ट्रिक्ट से इसको हटा दिया गया और अभी अगर हम देखते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में केवल इन्हीं पार्ट्स में आ, लगा हुआ था अफसफा और एक और है कुछ पार्ट्स हैं अरुणाचल के ठीक है तो तीन ये अरुणाचल चौथा हो गया और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर केवल यहीं पे लगा हुआ है त्रिपुरा से हटा दिया गया था आपका फाइन फिर मेघालय से भी हटाया गया तो ये सब चीजें आपको देखनी है पहले हम आते हैं इस न्यूज़ को बाद में डिस्कस करेंगे अब सफा है क्या क्यों लाया गया है ना क्या रीज़न था और क्या इसके अंदर इतनी कॉन्ट्रावर्सी क्यों है आपने देखा होगा आई थिंक दिसंबर की बात है दिसंबर लास्ट की बात है जहाँ पे जहाँ पे नागालैंड में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था काफ़ी सारी सिविलियन कैजुअलिटीज़ हो गई थी उस केस में भी चर्चा की जा रही थी कि इसे हटाया जाना चाहिए गवर्नमेंट ने होम मिनिस्टर ने कहा था आ, कि हम इसको रिवाइज़ करेंगे और ये एक वेलकम स्टेप है यहाँ पे वेलकम डेवलपमेंट है सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है क्या इसको हटाना चाहिए नहीं हटाना चाहिए तो ये एक ऐसी थीम है जो हमेशा न्यूज़ में कभी ना कभी रहती है क्वेश्चन भी इससे रहते हैं इंटरव्यू के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है क्लियर सो so, नहीं ब्रिटिश राज में नहीं लाया गया था इसको हफसपा को ये ब्रिटिश राज में नहीं आया ये इंडिया जब आज़ाद हुआ उसके बाद आया 1958 में क्यों लाया गया था कि नागालैंड के अंदर जैसा ये आप देख पा रहे हैं नागालैंड है फ़ाइन तो यहाँ के जो नागा मूवमेंट चले और ये नागा मूवमेंट अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से और ये थे सो तो तब तक फाइन था लेकिन यहाँ पे ये मिलिट्री जो है आर्म्ड रिबेलियन का इसने रूप ले लिया और कहा कि नागा हमें एक अलग कंट्री चाहिए सजेशनिस्ट मूवमेंट ये हो गया तो जब वहाँ पे जो सिविल uh, एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ की जो पुलिस है उनके बस uh, मतलब उनके कंट्रोल से बाहर सिचुएशन हो गई तो ये समझा गया इस चीज़ को समझा गया कि वाकई में वहाँ पे इस तरह के डिफिकल्ट सिचुएशन में जहाँ पे सिक्योरिटी एट स्टेक है इंटरनेशनल बॉर्डर लग रहा है है ना और uh, आम आदमियों की ज़िंदगी भी वहाँ पर प्रभावित हो रही है उनकी लाइफ को रिस्क, रिस्क है और सिविल uh, एडमिनिस्ट्रेशन उसको डील नहीं कर पा रहा तो उनको आर्मी की हेल्प चाहिए तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ इस अफ्सफा को पास किया गया और ये जो है पार्लियामेंट ने पास किया 1958 के अंदर तो मैंने कॉन्टेक्स्ट बता दिया एक बच्चे ने कहा था ये तो आज़ादी के पहले की बात आज़ादी के पहले की बात नहीं है ठीक है तो 1958 में लाया गया और इसको इंप्लीमेंट किया गया सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट में भी कहाँ पे नागालैंड वाले केस के अंदर फिर नागालैंड क्योंकि हमने देखा ये जो इंसर्जेंसी की समस्या थी फैल रही थी है ना डिफरेंट पार्ट्स के अंदर आसाम के अंदर जाती है देन यू हैव दैट मणिपुर त्रिपुरा मेघालय अरुणाचल तो ये धीरे धीरे सब पार्ट्स में वहां पे लगाया गया आप देखेंगे तो नागालैंड से शुरुआत हुई फिर नॉर्थ ईस्ट में आया और उसके बाद फिर पंजाब में लगाया गया हटाया गया और जम्मू कश्मीर में भी अभी आपका लगा हुआ है अफसफा आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर्स देता है आर्मी को क्या पावर्स देता है कि आर्मी जो है सस्पेशन के बेसिस पे अगर उनको संदेह है कि कोई आर्म्स कैरी कर रहा है इस तरीके से तो उसको एक वार्निंग दी जाएगी उस वार्निंग के बेसिस पे वो जो है अगर वो रेस्पॉन्ड नहीं करता है तो उस पर फायर किया जा सकता है क्लियर uh, you have that all these things open fire open किया जा सकता है एंटर एंड सर्च विदाउट वॉरंट वंट के बिना आप कहीं पे भी सर्च कर सकते हो है ना जब भी जहां पे भी आपको लग रहा है सस्पिशन है तो वो सर्च किया जा सकता है अरेस्ट किया जा सकता है एनी पर्सन हु हैज कमिटेड ए कॉग्निजेबल ऑफेंस फाइन और यहां पे सबसे बड़ी बात ये है कि ये जब आर्मी जब अपने एक्शन अपनी ड्यूटीज को एग्जीक्यूट कर रहे हैं परफॉर्म कर रहे हैं तो इसके अंदर में उनको इम्यूनिटी है प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी है अपने एक्शन के लिए तो ये यहाँ पे चीज़ आ जाती है और इसलिए इसको कई जगह पे कहा जाता है कि ये कॉन्ट्रोवर्शियल है ड्रिकोनियन है क्लियर क्यों क्योंकि यहाँ पे जो अकाउंटेबिलिटी वाला एस्पेक्ट है दिस इज नॉट देयर है ना कि आपने कई कई जगह पे हमें देखने को मिलता है फेक एनकाउंटर का इंसिडेंट आ रहा है इस तरीके से तो यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि ठीक है आपने पावर्स दिए हैं उसका रीजन्स है उसके रीजन्स हैं काफ़ी सारे लेकिन यहाँ पे जो इतनी स्ट्रांग पावर्स हैं ज टू इस समाउंटेबिलिटी सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है वो भी हम चर्चा करेंगे क्या इसको हटाया जाना चाहिए नहीं हटाया जाना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन आपसे में या इंटरव्यू में पूछे जाते हैं आपको क्या कहना है उस पे भी चर्चा देखिए अफसफा जो है ये आर्म फोर्सेज को ये जो पावर दे रहा है स्पेशल पावर कहाँ पे दी जाएंगी डिस्टर्ब एरिया के अंदर दी जाएंगी अब ये डिस्टर्ब एरिया डिसाइड कौन करेगा ये डिस्टर्ब एरिया अगर हम देखें तो सेक्शन थ्री ऑफ अफसफा एक्ट यहाँ पे जो है नाइनटीन सेवेंटी टू के बाद से सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है पहले ये डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर करने की पावर किसको थी स्टेट को थी सेवेंटी टू के बाद ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली गई है गवर्नर uh, जो है uh, वो यहाँ पे ये डिसाइड करेंगे तो डिस्टर्ब एरिया अगर आपने डिक्लेयर कर दिया जैसे ये जो आपको दिख रहा है इसमें कुछ डार्क ब्लू एरिया दिख रहे हैं डार्क ब्लू वाले वो डिस्ट्रिक्ट या एरिया है जहाँ पे अफसफा अभी भी लगा हुआ है अभी ये जो न्यूज़ आई है जहाँ पे आपने क्या किया हटा दिया है कुछ जगह से पूरी तरह से नहीं हटा है काफ़ी सारी जगह से हटा दिया है जैसे ट्वेंटी थ्री डिस्ट्रिक्ट में हटा दिया तो जो लाइट ब्लू कलर दिख रहा है आपको ये वो डिस्ट्रिक्ट है जहां से अफसफा हट चुका है क्लियर लाइट ब्लू के अंदर ये जो पिंक है पिंक कलर दिख रहा है ये पार्शियली हटाया है अपने यहाँ पे है ना यहाँ पे आपने पिंक वाले में पार्शियली हटाया और जहां पे आपको डार्क ब्लू दिख रहा है वहां पे अभी भी आ, अफसफा जो है इनफोर्स है मतलब अफसफा लगा हुआ है क्लियर तो ये तीन डिस्ट्रिक्ट की हम बात कर रहे हैं जहां तक त्रिपुरा की बात है यू हैव दैट है ना गवर्नमेंट ने त्रिपुरा के अंदर 2015 में इसको हटा दिया था इसको ध्यान रखिएगा 2015 में त्रिपुरा को हटा दिया गया था इसके अलावा मेघालय की बात करें तो 2018 में मेघालय को भी यहां से हटा दिया था और अरुणाचल प्रदेश के केवल कुछ एरिया तक ही ये रिस्ट्रिक्टेड है तो मेजर ये तीन ऐसे स्टेट थे आसाम है नागालैंड मणिपुर जहाँ पे ऑलमोस्ट हर जगह पे आपका ये जो है अवेलेबल था तो अब गवर्नमेंट ने इसको हटाया ये बहुत वेलकम स्टेप है और इसके अंदर डेफिनेटली काफी टाइम से चर्चा चल रही थी लेकिन जो नागालैंड वाला अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ दिसंबर जनवरी की बात है उसका भी यहाँ पे प्रभाव है उसने एक तरह से ट्रिगर का काम किया कि हाँ हमें जरूरत नहीं है तो इसे हटाते हैं तो अब ये डिस्टर्ब एरिया में ही लगाया जा सकेगा और डिस्टर्ब एरिया के अंदर जो है पावर सेंटर के पास है सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे डिक्लेयर करेगी अंडर सेक्शन थ्री ऑफ हफ्सफा ये ध्यान रखिए अब सफा इन इफेक्ट अभी एट प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है जम्मू कश्मीर में है नागालैंड असम मणिपुर इन तीनों जगह पे है अब यहाँ पे तीनों में से काफ़ी सारा आपने रिड्यूस कर दिया बहुत सारे एरिया से हटा दिया जहाँ ज़रूरत है वहीं लगा रखा है एंड सम पार्ट्स ऑफ द अरुणाचल प्रदेश तो ये ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ पे अभी लगा हुआ है क्वेश्चन रहता है तो इस तरह से छोटा सा ये डायग्राम बना के है ना इंडिया का मैप बना के और ये आप बता सकते हो कहाँ पे अभी ऑपरेशनल है नेक्स्ट हम आते हैं ये लॉ क्यों है, है ना कॉन्ट्रवर्शियल इसलिए है कि आर्म्ड फोर्सेस को पावर है मे शूट टू किल और डिस्ट्रॉय अ बिल्डिंग ऑन मीयर सस्पिशन हालांकि इस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन है ऐसा नहीं है कि पूरा बिल्कुल पावर्स दिए तो अगर जैसे किसी को मान लीजिए ये सस्पिशन है उस पर शॉर्ट कर रहे तो एक वार्निंग वहाँ पे दी जाएगी जेन्य ठीक है लेकिन अगर उनको लगता है कि कुछ भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है तो फिर वो एक्शन ले सकते हैं किसी को मान लीजिए अरेस्ट किया हुआ है तो आर्मी को ये कहा जाएगा कि विद इन ट्वेंटी आवर आपका जो लोकल पुलिस है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सौंपना है वाइट तो ये जो पावर्स दे रखी हैं कोई भी कोई वेपन कैरी कर रहा है वार्निंग के बाद में ये आपने दिया आ, किसी को आपने आ, डिटेन किया है तो 24 फोर आवर में उसको पुलिस को वहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को सौंपना और यहाँ पे आर्मी एक सेपरेट एंटिटी के रूप में ऑपरेट नहीं कर रही है लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके सहयोग से उनके कॉपरेशन से यहाँ पे ये पूरा एग्जीक्यूट किया जा रहा है क्रिटिसाइज किया जाता है ड्रकोनियन एक्ट के रूप में द रीजन आर ऑब्वियस जो मैंने आपको मैंशन किया था अकाउंटेबिलिटी इज नॉट देयर काफ़ी सारे इंस्टांसिस यहाँ पे आए जिस तरह से फेक एनकाउंटर है या वो तो वो अकाउंटेबिलिटी पे क्वेश्चन करते हैं कि कई बार है ना कोई जो बिल्कुल सिविलियन जो है उनकी कैजुअलिटीज़ हो जाती है तो उस केस में कैसा देखा जाएगा तो इस पर कमेटी भी बिठाई गई 2004 में जीवन रेड्डी कमेटी है जीवन रेड्डी कमेटी ने यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया कंप्लीट रिपील ऑफ द लॉ इसको ध्यान रखिएगा ये कह रहे हैं पूरा का पूरा लॉ ही हटा दो इसकी जरूरत ही नहीं है क्लियर है एक्ट एज ए सिम्बल ऑफ हेट ये क्या काम कर रहा है सिम्बल ऑफ हेट का काम कर रहा है ऑपरेशन का, का काम कर रहा है इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइव हंड्रेड नेस इज़ दियर क्योंकि जहाँ पर अफसफा लगा हुआ है इन रीजन्स के अंदर जहाँ पे अफसफा ऑपरेशनल है वहाँ पर लोग क्या है अपने आप को एलिनेट फील करते हैं इंडिया से कि देखो हमें अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है सो दिस इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द इ्टीग्रेशन जो हम बात करते हैं ना यूनिटी एंड इंटीग्रेशन की तो वो इंटीग्रेशन फिजिकल लेवल के अलावा इमोशनल लेवल पे भी है तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये एक अच्छा स्टेप है यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने किया है ये उस एलिनेशन को तोड़ने का ब्रेक करने का, का काम करेगा उनका इंटीग्रेशन एक साइकोलॉजिकल लेवल पे उसमें हेल्प करेगा फाइन तो ये आपका हो गया जीवन रेड्डी कमेटी ने किया लेकिन कंप्लीट रिपील आप कर सकते हो क्या देखिए ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको यहाँ पे होना पड़ेगा कंप्लीट रिपील यहाँ पे नहीं किया जा सकता बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ सिचुएशन स्टिल प्रिवेलिंग इन सम समार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट जहाँ पे मिलिट्री ने भी ये कहा हुआ है कि ये बहुत सेंसिटिव एरिया है अगर यहाँ पे एकदम से आप रिपील कर दोगे पूरा हटा दोगे है ना रादर देन ग्रेजुअल स्ट्रेटेजिक विद्रॉल की जगह अगर आपने पूरा एक साथ ही हटा दिया तो सिचुएशन बहुत खराब भी हो सकती है जम्मू कश्मीर भी एक ऐसा केस है हमारे पास में जहाँ पे आपको बिल्कुल संभल के चलना होगा तो कंप्लीट रिपील इज नॉट अ ऑप्शन हाउ एवर द कमेटी रिकमेंड किया है कमेटी ने लेकिन ये ऑप्शन नहीं है इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है ग्रेजुअल विद्रॉल यहाँ पे कर रही है और ग्रेजुअल विड्रॉल करके जैसे अभी हमने बात की 2015 में आपने त्रिपुरा को हटाया गवर्नमेंट इज वॉकिंग द टॉक गवर्नमेंट जो बोल रही है उसको कर रही है 2015 में आपने त्रिपुरा को हटा दिया 2018 के अंदर आपने मेघालय को भी हटाया अभी जो आ, आसाम और ये वाला जो इनका डिस्प्यूट था बॉर्डर डिस्प्यूट उस टॉपिक को हम करेंगे डिटेल में कवर है ना आज बिकॉज ऑफ दैट नहीं कर पाए ये आपका टॉपिक है जिसे हम कवर करेंगे तो आ, ये जो है ये यहाँ से आपने रिपील किया यहाँ से आपने रिपील किया और अब 2022 में आपने क्या किया है यहाँ से काफ़ी सारे जो एरियाज हैं अननेसेसरी जो थे वहाँ से हटा दिया मतलब उसको बहुत मेजर जो पार्ट्स हैं उनसे आपने हटाया स्पेशली आसाम के केस में तो ये क्या कर रहा है ये एक तरह से हेल्प करेगा जो पिछले साठ साल से वहाँ पर ऑपरेशनल था तो अगर वो साठ साल से वहाँ पर लगा हुआ है तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है ना सो यू हैव टू डिवाइड सम अदर वेज डायलॉग प्रोसेस हो गया पॉलिटिकल डायलॉग को स्टार्ट करना पॉलिटिकल प्रोसेस को वहाँ पे स्टार्ट करना जो लोग सेपरेटिस्ट uh, हैं या जो है ना इस तरह की डिमांड कर रहे हैं उनको मेन धारा मेन स्ट्रीम में लेके आना कि आप देखिए पॉलिटिक्स के अंदर आके इस तरीके से आप अपना ये कर सकते so like this, हो तो समथिंग लाइक दिस इससे एलिनेशन की फीलिंग भी आपकी स्टॉक होगी डीमिलिटराइज होगा पूरा रीज़न ये सब चीज़ें आपकी हैं सो दिस इज ऑल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कहा क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ठीक है ये एक्ट आपका जरूरी है वी डू अंडरस्टैंड द सिक्योरिटी कंसर्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये जो अफसफा एक्ट है ये आर्मी को ये पावर नहीं देता कि आप जो चाहें वो करें अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हैं तो उससे इम्यूनिटी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए तो ये क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर यहाँ पे क्या कहता है 2016 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसमें इन्होंने कहा कि दिस एक्ट डज नॉट प्रोवाइड ब्लैंकेट इम्यूनिटी टू आर्मी पर्सनल इन एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन ब्लैंकेट इम्यूनिटी मतलब अगर उनके अगेंस्ट में कोई कंप्लेन है जनरल कोई कंप्लेन होती है है ना और अगर स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि कुछ गलत हुआ है तो उस केस में एक्शन लिया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट हियर कंटिन्यूएशन ऑफ द एक्ट इतने साठ साल से इतने से लग रहा है कंटिन्यूएशन ऑफ द एक्ट शोज द फेलियर ऑफ़ द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द आर्म्ड फोर्सेज कि अभी भी आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए साठ साल से लगातार वो जारी है तो यू हैव टू डिवाइस सम वेज जिनकी अभी हमने चर्चा की है ना पॉलिटिकल डायलॉग एंड ऑल पेक एनकाउंटर्स इनका हम जिक्र कर चुके हैं तो बस ये आप ध्यान रखिए क्या ये एक्ट है कब लाया गया क्या इसका लाने का पर्पज़ था है ना अभी क्या इशू चल रहा है क्यों इसको ट्रेकोनियन माना जाता है क्यों इस कॉन्ट्रोवर्सी है सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है दिस इज ऑल कंक्लूड आप कर दोगे कंक्लूजन के अंदर ऐसा नहीं लिखना है एकदम से हटा दिया जाए ग्रेजुअल विड्रॉ जो गवर्नमेंट कर रही है एग्जाम्पल दे देना 2015 त्रिपुरा 2022 वाले हो गए 2018 मेघालय के हो गए और फिर आप कही कि हाँ इसको डेफिनेटली इस तरह से विड्रॉ करना चाहिए पॉलिटिकल डायलॉग प्रोसेस स्टार्ट करके लोगों को मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए इंडियन इकोनॉमी पे आते हैं यूपीआई के रिगार्डिंग ये न्यूज है यूपीआई रीचेज द वॉटर शेड मूवमेंट विद डिजिटल ट्रांजेक्शन डिजिटल ट्रांजेक्शन जो है इतिहास में यूपीआई के इतिहास में पहली बार जो है वन ट्रिलियन डॉलर के मार्क को पार कर गया है मतलब लगभग सेवनटी सिक्स लैख करोड़ रुपीज इसको क्रॉस कर गया है और इसको क्रॉस ही नहीं कर गया इसको क्रॉस करके ये आपका पहुंच गया है यू हैव दैट एट्टी थ्री एट्टी फोर लैख करोड़ पे पहुंच गया मतलब वे अबाउव दिस वन ट्रिलियन डॉलर मार्क तो इसके अंदर क्वेश्चन क्या है अच्छा यूपीआई कैसे काम करता है क्यों सक्सेसफुल हो रहा है हाउ दिस यू पी बेसिकली फंक्शंस एन क्या है ये सब चीज़ें कुछ बेसिक देख लेते हैं अगर क्वेश्चन आता है यहाँ पे मेंस के अंदर डिजिटल इंडिया से रिलेटेड डिजिटल इकोनॉमी से रिलेटेड तो यहाँ पे इन चीज़ों को आप मेंशन कर सकते हो क्यों इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रही है अंदाजा आपको लग गया होगा कोविड के बाद से डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ झुकाव बढ़ा है रुझान बढ़ा है अगर तीन वर्ड में आंसर लिखोगे ठीक है ना तो मार्क्स भी वैसे ही मिलेंगे चलिए हम आते हैं यूपीआई के रिगार्डिंग यूपीआई है क्या क्या देखिए यूनिफाइड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इंटरफेस पेमेंट्स में होता है जैसा आप सब लोग यूज करते हैं सभी के पास स्मार्टफोन वगैरह होंगे और सब आप जैसा यूज करते हैं जिस तरीके से क्या होता है रियल टाइम में ट्रांसफर हो जाता है पेमेंट रियल टाइम में ट्रांसफर हो जाता है आपने क्या किया कुछ भी खरीदा वहां पर क्यू कोड किसी का है स्कैन किया कोई मोबाइल नंबर जो है वो डाला तो यू की क्या होती है कि यूनिक आई होती है क्यू कोड है मोबाइल नंबर हो गया ये यूनिक आई होती है उस आई डी पे आपको क्या करना होता है उस आई के थ्रू आपका बैंक अकाउंट लिंक होता है और जब आप किसी दूसरे कस्टमर की जो आईडी है उसको स्कैन करते हैं तो एक यूपीआई पिन होता है वो पिन डाल के रियल टाइम ट्रांजैक्शन हो जाते हैं इंटर बैंक ट्रांजेक्शन की हम बात कर रहे हैं तो ये इतना एक तो सिंपल है फटाफट हो जाता है इतना सिंपल है कुछ नहीं करना बस आपको स्कैन करके या वो नंबर डाल के बस वो पिन डालना और ट्रांजेक्शन हो गया इतना सिंपल सेफ्टी सिक्योरिटी इज़ ऑलसो देयर इसलिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है अभी नेपाल ने भी इसको अडॉप्ट करने की बात की है तो ये भी एक अच्छी बात है यू पी आई जो क्लाइंट ऐप्स हैं वो इसको चला सकती हैं तो जितनी भी ऐप आप, आप यूज़ करते हैं फोनपे है पेटीएम हो गया भीम हो गया गूगल पे ये सब क्या हैं यू पी आई जो है क्लाइंट ऐप है मतलब यू पी आई इसके ऊपर काम करता है यू पी आई के थ्रू पेमेंट्स जाते हैं तो दिस इज़ द ओवरऑल थिंग और इसमें आपको क्या ध्यान रखना है अभी गवर्नमेंट ने ये टू पॉइंट ओ भी निकाला है जिसके अंदर ऑटो पे फैसिलिटी कुछ एडिशन कर दिया और जो इसका आ, इंडिया जो है एक लीडर के रूप में उभर रहा है ये भी आपको ध्यान रखना है अब ये फंक्शन मतलब ये किसका प्रोडक्ट है कौन इसको मैनेज कर रहा है एन पी सी आई इज़ डूइंग इट नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसको कर रहा है नेशनल पेमेंट्स ऑफ कॉरपोरेशन एन पी सी आई इज़ देयर नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इस पूरे इसको डील कर रही है और एन पी सी आई को बनाया गया था दो हज़ार आठ के अंदर ये ध्यान रखना और इसके अंदर आर भी है और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ये दोनों यहाँ पे आर बी और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन बोथ आर हियर क्यों बनाया गया यहाँ पे जो इंडिया का जो पेमेंट एंड जो रिटेल सेटलमेंट रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट जो सिस्टम है इसको क्या कर रहे हैं आप इसको टेक्नोलॉजी की हेल्प से कितना ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो ना पेमेंट्स को कितना आसान बना सकते हो कैसे उसकी कॉस्ट कम कर सकते हो कैसे फास्ट बना सकते हो क्लियर ये सब चीज़ें इसमें टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ किया जाए इस पर पूरी चर्चा करता है एन और एन का ही प्रोडक्ट है यू पी के अलावा और बहुत सारे हैं आपका रुपये कार्ड हो गया आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम हो गया आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम कैसे काम करता है मान लीजिए किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है इंटरनेट नहीं है ठीक है ना तो वो कैसे पेमेंट करेगा उसको किसी पे पेमेंट करना है या उसको पैसा निकालना है समथिंग लाइक दिस तो ये आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम क्या करता है मान लीजिए कोई गांव है तो वहाँ पे माइक्रो एटीएम लगे होते हैं वहाँ पे जाइए आपका जो आधार आपका अकाउंट नंबर आधार से लिंक होना चाहिए वहाँ पर आप आधार कार्ड अपना नंबर दो बायोमेट्रिक को वहाँ पे इंश्योर करो और फिर जो आपका पेमेंट है जहाँ पे कहीं ट्रांसफर करना है या आपको कैश लेना है जो भी है वो हो जाएगा तो ये आधार अनेबल पेमेंट्स तो इस तरह के जो भी रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम है उसके अंदर ये काम करता है इनका जॉइंट वेंचर है ठीक है इसके टेन कोर प्रमोटर बैंक्स हैं नो no नीड टू रॉड मतलब रटने की जरूरत नहीं है हाँ बस ये थोड़ा सा आइडिया रखिए पब्लिक सेक्टर प्राइवेट बैंक दोनों यहाँ पे हैं सो कुछ फॉरेन बैंक्स भी हैंच एस बी सी सिटी बैंक एंड ऑल इसकी इंटरनेशनल जो आम है वो है एन इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड इसने अभी डील किया था कि नेपाल में अगर हमें वो करना है लागू करना है तो अलॉन्ग विथ वन स्टार्टअप बेंगलुरु बेस्ड है उसके साथ ये नेपाल में भी जा रहे हैं तो ये मोटा मोटा इसका फंक्शन ध्यान रखिए एन क्या है और कौन कौन से प्रोडक्ट लाता है और कौन से प्रोडक्ट है रुपये कार्ड हो गया आधार अनेबल मैंने आपको बता दिया भारत बिल पेमेंट सिस्टम ये भी बहुत भारत बिल पेमेंट सिस्टम ठीक है रियल टाइम में बिल पेमेंट वगैरह उसमें इसका यूज़ हो रहा है इसकी खुद की अपनी ऐप भी है इसकी एन पी सी आई ने अपनी ऐप है जैसे आप यूज़ करते हैं ना पेटीएम वगैरह वैसे भीम ऐप है तो जो भीम ऐप यूज करते हैं वो इसी का है कैसे ये इतना ज्यादा ट्रांजेक्शन हुआ है अब आप देखोगे जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है लगभग एट्टी थ्री लाख करोड़ पे आ गई है हम बात कर रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर की मतलब अप्रैल दो हजार इक्कीस से और हम चर्चा कर रहे हैं अप्रैल दो हजार इक्कीस से लेके अभी मार्च जो थर्टी फर्स्ट मार्च होगा दो हजार बाईस तो ये जो पूरा एक फाइनेंशियल ईयर रहा इसमें लगभग एट्टी फोर लाख करोड़ तक हमारा आ गया है इसमें किस तरीके से बढ़ोतरी हुई है ये थोड़ी ध्यान देने वाली बात है आप देखोगे मार्च इस साल का मार्च ये रटने वाली चीज़ें नहीं है आपको ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है हाँ बस ठीक है आपको लगभग लमसम याद हो जाए कहीं पर तो बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट हो तो लिख दिया ना वो यू ऐसा पूछ रहा है कि इतना लाख करोड़ है उतना लाख करोड़ क्या पूछेगा अच्छा यू कैसे काम करता है क्या है एनपीसीआई में क्या है ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी या क्वेश्चन होता है डिजिटल इकोनॉमी डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इस इन चीज़ों पे तो तब आप इनको यूज कर सकते हैं द थिंग इज दैट अप्रैल के अंदर ये जो ट्रांजेक्शन की वैल्यू थी अभी देखिए मार्च में इस साल ये वाला जो मार्च है अभी पूरा होगा यहाँ पे अगर आप 29 मार्च तक का एन का डेटा है ये कह रहा है लगभग 9 लाख करोड़ का ट्रांजेक्शन है इतने पैसे का यहाँ पे लेन देन हुआ है यूपीआई के माध्यम से और ये केवल पांच लाख करोड़ था अप्रैल में तो अप्रैल से मार्च आते आते इतनी तेजी से बढ़ रहा है क्लियर गवर्नमेंट के भी प्रयास हैं फिर इसमें पेंडेमिक का भी रोल रहा आपने देखा कि किस तरह से जो पेंडेमिक है उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है हर सर्विस पे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे लोग जाने के लिए आप कहिए शुरू में उनको एक मजबूरी हुई लेकिन अब उनको फैसिलिटी अब उनको पता है कि ये जो सुविधा है हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी है पैसा भी कम लग रहा है टाइम भी बच रहा है और हमें हर तरह से हर रिसोर्सेज एक जगह पे मिल जा रहे हैं ना क्वालिटी इज़ देयर तो डेफिनेटली दे आर मूविंग टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स चाहे हम बैंकिंग की बात करें फाइनेंस uh, की बात करें एजुकेशन की बात करें हेल्थ की बात करें इन सब पे हम जा रहे हैं यहाँ पे है ना वाइड स्प्रेड अडोप्शन ऑफ़ द डिजिटल पेमेंट इन इंडिया गवर्नमेंट भी इसको प्रयास कर रही है और थोड़ा सा अगर हम इसको देखते हैं और ज़्यादा अच्छे से तो हम देखेंगे कि थोड़ा सा इसकी तरफ रुझान आया डीमोनेटाइजेशन के बाद में डीमोनेटाइजेशन से भी बड़ा फैक्टर क्या रहा देखिए डीमोनेटाइजेशन तो काफ़ी पहले हो गया था फाइन लेकिन हम देख रहे हैं दो फाइनेंशियल ईयर दो में केवल एक लाख करोड़ का ट्रांजेक्शन वैल्यू है वैल्यू की हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की बात नहीं कर रहे एक लाख करोड़ है 2019 ये जो 19 वाला फाइनेंशियल ईयर है इसमें ये बढ़ के एकदम से 8-9 लाख करोड़ होता है फिर आप देखिए कोरोना वाला ईयर फाइनेंशियल ईयर 2021 मतलब ये कोरोना वाला साल था 2020 अप्रैल से लेके 2021 तक तो यहाँ पे एकदम से ये जो ये ये आया और फिर अब ये एकदम से बिल्कुल ऊपर फाइनेंशियल ईयर 2020 में 22 में तो कमाल हो गया मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर की हम बात कर रहे हैं इसके अंदर इतनी तेजी से बढ़ा है तो कोरोना पेंडेमिक का बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है इसके अलावा गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिए इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल कराया सुविधाएं अवेलेबल कराई जिससे लोगों को सुविधाएं मतलब एक ईज फील हुआ कि हाँ हम हाँ, इसे आराम से कर सकते हैं क्लियर जैसे अगर हम बात करें गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है ये हमने पढ़ा भी था आरबीआई ने लास्ट मंथ का ही है इनिशियटिव आई थिंक लास्ट मंथ आरबीआई ने ये वन टू थ्री पे यू पी आई वन टू थ्री पे इसके लिए कहा कि हम ये अनाउंस यहाँ पे कर रहे हैं इसमें क्या है अब स्मार्टफ़ोन है तो आपने ये यू पी ट्रांजेक्शन का यूज़ कर लिया पेटीएम फोन पे आपके पास स्मार्टफोन है अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है फिर आप यू से कैसे पेमेंट करोगे तो इंडिया में लगभग 40 करोड़ लोग हैं जिनके पास ये फीचर फ़ोन है स्मार्टफोन नहीं ये बटन वाला फ़ोन है जिसमें मान लीजिए ऐप डाउनलोड नहीं होता है। तो फिर आप यू से कैसे करोगे तो गवर्नमेंट लाइव वन टू थ्री यू पी पे इसके अंदर आप कॉल कीजिए नंबर पर अपनी सुविधाएँ चुनिए है ना कि किस चीज़ में किसको मुझे पेमेंट करना है गैस सिलेंडर के लिए पेमेंट करना है इस पे करना है उस पर करना है इस तरीके से फिर आप बस वहां पे पे कर दीजिए इस तरीके से तो ये सुविधाएं दी जा रही है वन टू थ्री पे की इस पूरे केस के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई कि इंडिया के अंदर जो भी नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन जितने हो रहे हैं है ना उसके अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं रिटेल ट्रांजेक्शन की हम बात करें सेवेंटी फाइव परसेंट ट्रांजेक्शन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन मान लीजिए सौ लेन देन हो रहे हैं है ना तो उसमें सेवनटी फाइव जो ट्रांजेक्शन है वो सौ रुपये से कम के हैं मतलब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की हम बात कर रहे हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये यह यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट भी ला रहा है एन ये क्या कह रहे हैं यूपीआई लाइट के नाम से ला रहे हैं यूपीआई लाइट के नाम से जिसमें जो डिजिटल पेमेंट होंगे दो सौ तक के डिजिटल पेमेंट आप आसानी से कर सकते हो तो आपका क्या होगा जो भी ऐप है उसी के अंदर एक ऑन फोन आपका जो है वॉलेट वहाँ पर ऐड हो जाएगा उस वॉलेट में दो तक डाल सकते हो वो ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र होगा उसके बाद अगर आपके पास नेट का एक्सेस नहीं है तो बिना नेट के भी आप ये दो सौ रुपये तक के ट्रांजेक्शन ईजीली कर सकते हो अभी पायलट पे है और डेफिनेटली अगर सक्सेसफुल होगा तो हर जगह पे मिल जाएगा क्यों इसका इम्पोर्टेंस है दो सौ रुपये तक के ट्रांजेक्शन के लिए क्यों कर रहे हैं क्योंकि देखिए वहाँ पर इतना बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व नहीं है है ना तो अगर उसको ऑफलाइन के थ्रू भी इस तरीके से ये कर देते हैं और सेवेंटी ऑफ़ टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन को कवर कर रहे हैं तो ये इंडिया का जो डिजिटल पेमेंट का जो रिवोल्यूशन है उसको और तेज़ी से बढ़ा देगा ठीक है ज्यादा से ज्यादा लोग इसको यूज करेंगे अरे यार ये तो बहुत आसान है गांव में ठीक है ना हर जगह पे इसका यूज बढ़ेगा नेक्स्ट आते हैं इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज पे और ये हमारे पास एक टॉपिक है दिस इज द पॉलिसी टू डेवलप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री रिसाइकिलिंग इंडस्ट्री जो है इसको लिंक करना है सर्कुलर uh, इकोनॉमी से किससे लिंक करना है सर्कुलर इकोनॉमी से इसको लिंक करना है सर्कुलर इकोनॉमी से इसे लिंक करना है नोकिया देखिए नोकिया जब यूज होता था उस टाइम ऐसा लगता था कि नोकिया को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता है ना नाउ दिस नोकिया इज गॉन एंड वी आर थिंग्स इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है आ, मुझे अभी भी याद है स्कूल टाइम की अगर हम चर्चा करें आ, तो आ, उस टाइम पे मोबाइल फ़ोन हमने देखा मतलब पहली बार मैंने वहाँ पे एक छोटा सा टाउन था जहाँ पे हमारी स्कूलिंग हुई तो वहाँ पे एक बार फर्स्ट टाइम पे वो आई थिंक पेजर लाइक -like समथिंग कुछ ऐसा था तो हमने देखा यार ये मतलब इतना बड़ा आदमी है उसके पास मोबाइल है और इस तरीके से हम सोच रहे थे कि कभी हमारे पास भी मोबाइल होगा और फिर इस तरह से ए, एक दो है ना एक दो दिन तक यही दिमाग में चलता रहा फिर जो टीवी का रिमोट होता है ना तो हम बच्चे बच्चे खेला करते थे तो टी वी का रिमोट होता है उसी को मोबाइल बना के बात कर रहे हैं क्लियर कि हमारे पास भी मोबाइल है एंड लुक लुक एट द थिंग्स नाउ कितनी तेज़ी से चीज़ें चेंज हुई है ना आज मोबाइल है हर व्यक्ति के पास मोबाइल है क्लियर सो द थिंग्स आर चेंजिंग विथ रैपिड पेस और अब देखिए कितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है अब हम वेब थ्री पॉइंट की तरफ जा रहे हैं ना आर्टिफिशियल uh, इंटेलिजेंस हो गया मेटावर्स की तरफ हम मूव कर रहे हैं ब्लॉकचेन है वैल्यू uh, जो फेस है करेंसी का वो चेंज हो रहा है मनी का जो है किस तरह से हम ये फिजिकल करेंसी की जगह अगले साल हमारे पास डिजिटल रुपया आने वाला है है ना थिंग्स आर चेंजिंग विद रैपिड पेस हमें भी अपने आप को इसी तरह से चेंज करना चाहिए सर्कुलर इकोनॉमी की बात करते हैं सर्कुलर इकोनॉमी और प्रधानमंत्री का एक इस पर यह भी था अभी उन्होंने एक जो बच्चे हैं स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा वो बताते हैं आई विल ट्राई टू शेयर दैट मतलब दस एक मिनट का होगा मुश्किल से वहाँ पे वो बता रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का कैसे यूज कर सकते हैं बच्चे uh, ये भी था प्रेस रिलीज के अंदर मेंशन किया था आई विल ट्राई टू शेयर दैट रिसाइकलिंग इंडस्ट्री की बात हो रही है इसको सर्कुलर इकोनॉमी से जोड़ना है सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब है वेस्ट मिनिमाइजेशन है ना सर्कुलर इकनॉमी के अंदर जहाँ पे रिसाइकिलिंग हो रही है वेस्ट को मिनिमाइज कर रहे हो रिड्यूस कर रहे हो रीयूज किया जा रहा है तो उससे बेस्ट है तो यहां पे क्या कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक जो वेस्ट है जिसे हम क्या कहते हैं ई वेस्ट कहते हैं ये जो ई e वेस्ट है इसकी चर्चा की जा रही है किसको कैसे डील किया जाए तो ई e वेस्ट जो मैनेजमेंट रूल है 2016 वाले ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है 2011 के बाद 2016 क्या है 2016 वाले रूल ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है ये जो ई वेस्ट टर्म लिखा हुआ है इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की भी दो कैटेगरीज है एक तो आई रिलेटेड हो गए एक जो कंज्यूमर रिलेटेड इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनका है तो इंडिया के अंदर अगर हम चर्चा करें ई वेस्ट अकॉर्डिंग टू द सी पी सी बी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मोर देन टेन लैक टन ऑफ ई वेस्ट ये जनरेट होता है है ना और ये इंक्रीज़ होता जा रहा है ये डेटा हमारे पास दो हज़ार उन्नीस बीस का भी तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया होगा हमारी जो रिसाइकिलिंग कैपेसिटी है वो कितनी है ऑब्वियसली लेस देन हंड्रेड परसेंट है दिस शुड बी अराउंड समवेयर एट्टी परसेंट और मोर देन लेकिन उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि साइंटिफिक जो है उसका डिस्पोजल नहीं है है ना आपने uh, आप अगर वेस्ट को मैनेज कर रहे हो तो उस केस में क्या होता है इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर ज़्यादा है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है उसको बैटरी के अंदर एसिड एसिड जो होता है उसमें डिजोल्व कर दिया किसी ने जला दिया तो ये बहुत बड़े इशूज़ हैं उसके लिए गवर्नमेंट ये वेस्ट मैनेजमेंट रूल लेके आई और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज इन्होंने क्या किया यहाँ पे इन्होंने ऐड किया एक्सटेंडेड रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सटेंड यहाँ पे किया कि जो यहाँ पे बना रहा है प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो बना रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि वो ई वेस्ट कलेक्शन इन्श्योर करें उसका स्टोरेज करे ट्रांसपोर्टेशन करें एनवायरमेंटली साउंड उसकी डिसमेंटलिंग हो मतलब उसको आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हो तो एनवायरमेंट फ्रेंडली वे के अंदर होगा इसलिए कुछ गाइडलाइन प्लेस की गई जो प्रोड्यूसर से उनको कहा गया कि इन इन फैसिलिटीज़ के अंदर ही आप इसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हो रिसाइकिल कर सकते हो समथिंग लाइक दिस तो ये बहुत अच्छा ये इन्होंने यहाँ पे ऐड किया रिसाइकलिंग थ्रू ई पी आर ऑथेंटिकेशन है ना ये ई पी आर ऑथेंटिकेशन के थ्रू रिसाइकलिंग होगी और एक ई वेस्ट कलेक्शन मैकेनिज्म एफिशिएंट ई वेस्ट कलेक्शन मैकेनिज्म के लिए ये बात करता है एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड साउंड रिसाइकलिंग पूरा प्रोसेस स्टार्ट उसको प्रमोट करने की बात ये रूल्स करते हैं मिनिमाइज द इ लीगल रिसाइकलिंग एंड रिकवरिंग ऑपरेशन ये जो मैंने यहाँ पे चर्चा की जिसकी वजह से क्या हो रहा है जैसे जो एसिड बैटरी वाला एसिड होता है उसमें कई लोग आपने देखा होगा गला देते हैं ना उसमें गला दिया फिर उसको यूज कर लिया या जला दिया तो ये जो अनसाइंटिफिक वे में डिस्पोजल हो रहा है ये नहीं होना चाहिए हजार डस का यूज कम हो जितने भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है उसके अंदर ये डॉ सब्सटेंसेस का रोल यहाँ पे यूज यहाँ पे कम होना चाहिए इसके साथ ये जो प्रोसेसिंग है की इंडस्ट्री है इस पर गवर्नमेंट क्या कर रही है एक स्कीम है इसमें गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए हैं स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमी ये स्कीम है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेट एंड सेमी तो ये क्या कर रहा है ये प्रोवाइड कर रहा है सपोर्ट किस लिए सेटिंग अप ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट ई वेस्ट रिसाइकलिंग फैसिलिटी की ये जो प्रोड्यूसर्स हैं जो बना रहा है मान लीजिए कोई सेमी बना रहा है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स कुछ भी बना रहा है किसी भी तरह का फाइन तो वहां पे वही जो प्रोड्यूसर हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट मतलब बहुत ही एडवांस लेवल की रिसाइकलिंग फैसिलिटीज यूनिट्स क्रिएट करें फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रीशियस मेटल फ्रॉम द ई वेस्ट कॉम्पोनेट तो अगर वो एक्सट्रैक्शन हो जाएगा आपको कॉस्ट के अंदर मिनिमाइजेशन हो जाएगा उसको तो नया नहीं खरीदना पड़ेगा और जो वो मेटल एनवायरमेंट में जाके जो पॉल्यूशन क्रिएट करता वो है वो इशू नहीं रहेगा तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेक्स के अंदर आपको बस एक चीज ध्यान रखिए स्कीम के बारे में ये फाइनेंशियल इंसेंटिव दे रहा है 25 परसेंट ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया कोई मशीनरी टूल ये कुछ भी आप खरीद रहे हो तो उसके ऊपर आपको पच्चीस का ये डिस्काउंट यहाँ पे दे देंगे फाइन तो ये याद रखिएगा ई वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग सो so, दिस इज दर्टिकल है दिस इज इम्पोर्टेंट स्पेशल इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्राइसिस एंड सस्टेनेबिलिटी करके जो आर्टिकल है यहाँ पे ऑथर क्या बात कर रही है यहाँ पे बात कर रही है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इसके रिलेटेड चैलेंजेस हमारे साथ बढ़ गए हैं स्पेशली इन द कॉन्टेक्स ऑफ कोविड नाइनटीन उसकी ये चर्चा कर रहे हैं और कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट बैलेंसिंग द क्लाइमेट एंड ऑल इसकी यहाँ पे चर्चा की जा रही है आपने देखा होगा अभी इन दिनों में अगर नॉर्थ इंडिया में आप हैं फाइन तो जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है ना ऐसा लग रहा है कि जो मई का मौसम चल रहा है अभी मार्च मार्च खत्म ही हुआ है अभी तो आ, आज पहला दिन है अप्रैल का तो आप ऐसा समझिए मार्च के लास्ट वीक में जितनी जो गर्मी रही है ना अगर हम देखें टेम्परेचर इतने ज़्यादा हैं ऐसा लग रहा था कि मई यहाँ पर आ गया मतलब पीक पर आ गई है गर्मी सुबह सुबह अगर आप आठ नौ बजे धूप में खड़े होते हैं तो आप मुश्किल से कुछ देर के लिए खड़े हो पाएंगे ऐसा मई जून के अंदर होता है तो so, uh, ये एक बहुत बड़ा इशू है जिस तरह से ये यही तो ग्लोबल वार्मिंग है जो हम पढ़ रहे हैं जो हम ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज की चर्चा करते हैं यही सब इम्पैक्ट तो हमें देखने को मिल रहा है इतनी एक्सट्रीम हीट वेव्स देखने को मिल रही हैं तो इसे ये तीन चार पॉइंट इसमें बहुत अच्छे हैं और ये जो ओवरऑल हम मैंशन यहाँ पर करना चाह रहे हैं उसमें आप ये ध्यान रखिए एक तो ये वर्ड आपको लिखना है आप जो नोट्स बना रहे हो उसमें इकोनॉमिक सोशल एंड एनवायरमेंटल ई ये जो वर्ड है काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है कि जो भी कोविड नाइन्टीन ने हमें क्या बताया कि जो भी हमारे प्रोसेस हैं बिजनेस हैं इंडस्ट्रीज हैं वो क्या होनी चाहिए वो सस्टेनेबल होना चाहिए किस कॉन्टेक्स में इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से हर फ्रंट पे वो सस्टेनेबल होना चाहिए तो एनवायरमेंट फ्रंट पे तो आपको पता चल गया कि हाँ पॉल्यूशन लेवल इतने ज़्यादा ना हो ग्रीन हाउस गैस का इतना ज़्यादा एमिशन ना हो कि आगे जाके नुकसान हो सोशल कॉन्टेक्स के अंदर जो भी सोशल इंडिकेटर्स हैं लाइक इनक्वेलिटी है ना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए ये सब चीज़ें इकोनॉमिक कंसिडरेशन इज ऑल्सो देयर तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि इन चीजों के कॉन्टेक्ट में हमें समझने की जरूरत ये है कि जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं ना कोई कुछ भी कर रहे हैं तो हमें समझना होगा कि ये सस्टेनेबल है या नहीं है जैसे एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों अगर आप अभी शॉर्ट टर्म गेन के लिए आपने देखा कि ठीक है थोड़ा एमिशन हो जाएगा लेकिन इंडस्ट्री का लगना जरूरी है आपने एक फॉरेस्ट क्लियर कर दिया है ना वहाँ पे कुछ भी प्रोजेक्ट uh, लगा दिया इस तरह से इंडस्क्रिमिनेट मैनर के अंदर पूरा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ तो इतना सारा एमिशन हो रहा है पूरा फॉरेस्ट क्लियर हो गया तो आप देखोगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसका जो इकोनॉमिक कोस्ट है इकोनॉमिक कोस्ट है वो बहुत ज़्यादा है अब इन्होंने एक एक्जाम्पल दिया और यहाँ पे कोट किया है इन्होंने आई की रिपोर्ट को आई रिपोर्ट को मैंशन किया है आई रिपोर्ट हमने डिटेल में पढ़ी है मैंने आपको डिटेल में कराई है अगर आपको डेट याद है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा नए बच्चे भी कर लेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर हमने आर्टिकल भी डिस्कस किए हैं पूरी की पूरी जो आई की रिपोर्ट है उसको भी डिस्कस किया हुआ है समरीज की तो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से जैसे कोई भी एक सिंगल, एक सिंगल एक्सट्रीम वेदर इवेंट होती है ना मान लीजिए कोई साइक्लोन आ गया कहीं पर फ्लड आ गई तो वो पूरे एरिया के अंदर जो डिवास्टेशन क्रिएट करती है है ना उसका इकोनॉमिक इंपैक्ट बहुत बड़ा है तो पिछले दस साल पंद्रह साल में जो उसने बनाया होगा इतनी मेहनत करके उसको एक एक्सट्रीम वेदर इवेंट पूरा हटा देती है तो जिस इकोनॉमिक जो मॉडल के साथ आप जा रहे हो जो कि एनवायरमेंटली सस्टेनेबल नहीं है फाइन उसकी वजह से ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रही हैं जैसा आज हम देख रहे हैं ना चाहे हीट वेव हो उसकी वजह से जो आपका वाटर क्राइसिस क्रिएट हो रहा है क्रॉप्स को नुकसान हो रहा है तो ये जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट है इसकी वजह से इकोनॉमिक प्रोग्रेस तो डिप्लीट होती है वहाँ पे जो कम्युनिटीज रह रही हैं उनको भी परेशानी हो रही है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पावर्टी से बाहर निकल चुके होंगे लेकिन वो वापस पावर्टी की तरफ आ गए बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स है ना सब कुछ तबाह हो गया फ्लड के अंदर या कुछ भी हो सकता है ड्रॉट इज देयर तो कोविड नाइन्टीन के केस में भी तो ऐसा ही हुआ है कोविड नाइन्टीन के केस में यूनाइटेड नेशन की तरफ से डब्ल्यू एच ओ की तरफ से ये मैंशन किया गया कि ह्यूमन बींग का जो इंटरफेरेंस है है ना वाइल्ड लाइफ के अंदर हमारा जो इंटरफेरेंस है वो बहुत ज़्यादा है फाइन उसकी वजह से इस तरह की पेंडेमिक्स आने का खतरा आगे और बढ़ेगा तो अगर हम इसको कंटेन नहीं करते हैं है ना हम हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं तो ये पेंडेमिक का रिस्क बहुत ज़्यादा होगा और पेंडेमिक का कोविड नाइन्टीन का इकोनॉमिक इंपैक्ट मुझे बताने की जरूरत नहीं है आप सभी को पता है तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये कह रहे हैं कोविड नाइन्टीन के अलावा भी आप देखोगे तो जो भी फ्लड है ड्रॉट है वाटर क्राइसिस है साइक्लोन्स हैं ये सब जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत होते हैं इसलिए हमें अच्छे से डील करना होगा ये जो कंपोनेंट है सस्टेनेबिलिटी के इनको ध्यान में रखना होगा कैसे ध्यान में रख सकते हैं इको सिस्टम बेस्ड अडाप्टेशन ये चर्चा कर रहे हैं अडोप्टेशन पे दो वर्ड यूज में होते हैं एक होता है मिटिगेशन और एक होता है अडोप्टेशन इसको समझिएगा ध्यान से तो पूरा का पूरा जो वर्ड है वो मिटिगेशन पे फोकस कर रहा है मिटिगेशन मतलब यहाँ पे क्या किया जा रहा है जैसे ग्रीन हाउस गैस है उसके एमिशन को कम कर देना तो इससे क्या होगा जो ग्लोबल वार्मिंग है वगैरह है वो उसको हम ज़्यादा टेम्परेचर को बढ़ने से रोक सकते हैं ज़्यादा टेम्परेचर को बढ़ने से रोक सकते हैं जिससे ज़्यादा नुकसान जो होगा उसको रोका जाएगा तो दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस मिटिगेशन एवरी है ना एट द ग्लोबल लेवल वेदर वी टॉक अबाउट यू ट्रिपल सी ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कट करने की बात करती है तो मिटिगेशन पे हमारा फोकस है 90 परसेंट फोकस मिटिगेशन पे जबकि हमें अडाप्टेशन की चर्चा करनी होगी क्यों अडाप्टेशन की चर्चा करनी होगी क्योंकि क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग अब किताबों तक आर्टिकल्स तक रिपोर्ट्स तक सीमित नहीं रह गया है वी आर फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज इन रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल आपके सामने है ये हीट वेव हम फेस कर रहे हैं इस तरह से आप देखोगे अनसीजनल रेनफॉल होता है जहां रेनफॉल होता ही नहीं था वहां पर इतनी ज्यादा बारिश जहाँ पे बारिश होनी चाहिए वहाँ हो ही नहीं रही है जिस सीजन में बारिश होनी चाहिए जिस टाइम पे फसल को पानी चाहिए उस टाइम नहीं होगी जब नहीं होनी चाहिए उस टाइम पे हो रहा है इराटिक रेनफॉल हो रहा है फ्लड्स आ रही है क्लाउड बस्ट हो रहे हैं क्लियर यू हैव दैट ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं सी लेवल राइज हो रहा है साइक्लोन्स आ रहे हैं इंटेंस साइक्लोन आ रहे हैं बहुत ज्यादा उनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है तो इन सब चीजों से ये जो चैलेंज हमारे सामने आ रहे हैं उनसे डील करने के लिए हमें कुछ करना होगा वो पार्ट होगा अडप्टेशन का जैसे कि अगर मान लीजिए क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कहीं पे भी वाटर क्राइसिस की सिचुएशन बन रही है तो अडोप्टेशन में आप क्या करोगे अच्छा वाटर क्राइसिस है तो यहाँ पे फंवारा पद्धति से सिंचाई की जाए या तो स्प्रिंकलर सिस्टम लगाया जाए है ना पानी को बचाया जाए अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो फिर ड्रिप इरीगेशन किया जाए ठीक है ज्यादा पेड़ लगाए जाए इस तरीके से आप ये करोगे वाटर हार्वेस्टिंग क्रिएट की जाए रेन वाटर को कैसे हार्वेस्ट किया जा सकता है ये सब अडोप्टेशन के पार्ट तो ये कह रहे हैं हमें इको इकोसिस्टम बेस्ड अडोप्टेशन करना होगा और यहाँ पे हमें कम्युनिटीज को भी साथ लेके चलना होगा उनकी वेलबींग well का भी ध्यान रखना होगा अलॉन्ग विद डैट एनवायरमेंट पार्ट क्योंकि इको के अंदर ह्यूमन बींग भी एक पार्ट होगा इको में क्या होता है पड़ा होगा ना अपने एनसीआर में बायोटिक ए बायोटिक कॉम्पोनेंट है बायोटिक के अंदर क्या है जो भी एनिमल है प्लांट स्पीशीज लिविंग पार्ट जो है तो उसमें ह्यूमन बींग भी तो है बाकी ए बायोटिक कॉम्पोनेंट है जो आपका एयर है वाटर है एंड ऑल तो वो एक हॉलिस्टिक अप्रोच आपको लेके चलनी है इट इज़ ऑल्सो लॉजिकल एंड वेथ दैट द नीड फॉर क्लाइमेट एक्शन ऑन अडाप्टेसन फ्रंट ये जो है अब बहुत जरूरी है और अडाप्टेशन फ्रंट पे हमें एक्शन की ज़रूरत है कैसे होगा वो एक्शन उसके लिए सॉल्यूशन दे रहे हैं इंटरनेशनल कॉपरेशन इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी फाइनेंशियल फ्लो फाइन नॉलेज शेयरिंग कैपेसिटी बिल्डिंग इसके अंदर क्या होगा जैसे कुछ भी बेस्ट प्रैक्टिस है मान लीजिए अफ्रीका में हो गया उन्होंने कुछ ऐसा डेवलप किया कि हाँ वाटर वाली सॉल्यूशन हमारी सॉल्व हो गई कुछ भी हो सकता है अभी एक उन्होंने कुछ किया है जिसके अंदर क्या है वाटर के अंदर एयर uh, के अंदर जो मॉइस्चर है उस, उसको वो लेके एक uh, ऐसा कुछ बलून टाइप लगाया और वहां से वो वाटर ले रहे हैं ना बिल्कुल जहां पे पानी की कमी है नहीं हो रहा है समथिंग लाइक दिस कुड बी देयर विथ इंस्टीट्यूशन एंड इनोवेशन टू सपोर्ट द पॉलिसी डेवलपमेंट तो ये वाली जो लाइन है ये आपके नोट्स में आनी चाहिए जो शॉर्ट नोट बना रहे हो उसमें ये जरूर लिख लेना ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया इकोनॉमिक सोशल एनवायरमेंटल फ्रंट पे काम करना है ये आप लिख लेना डेवलपिंग कंट्रीज डेट वर वेल अह टारगेट ये कह रहे हैं कि जो ऐसे बहुत सारे कंट्री थी जो एस डी जी का जो फर्स्ट टारगेट है पॉवर्टी एलिविएशन पॉवर्टी रिमूवल का ठीक है पॉवर्टी रिमूवल का उसको अचीव करने के बहुत करीब थे आज वो बहुत पीछे चले गए क्यों क्योंकि कोविड नाइन्टीन की वजह से तो यहाँ पर हमें एक बैलेंस क्रिएट करना होगा कि किस तरह से हम जो हमारी कैपेबिलिटीज हैं लाइफ स्टाइल्स हैं फाइनेंशियल फ्लोज हैं टेक्निकल नो हाउ हैं मतलब ये जो अनेबलर्स ऊपर इनकी चर्चा की है, है ना इनको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं ताकि हमारे जो और एस के गोल्स हैं एनवायरमेंट के अलावा हमारे पास क्या है पॉवर्टी रिमूवल है गुड हेल्थ है एजुकेशन है इन सबको हमें एक साथ लेकर चलना होगा एंड वेल प्रिपेयर सोसाइटी इज इज वन दैट वेल टू टेक केयर ऑफ इट्स ओन इट्स ओन का क्या मतलब है कि अगर आपने अपने हेल्थ केयर पे मतलब सोसाइटी के हेल्थ इंडिकेटर्स पे काम नहीं किया है और उनके हंगर एस्पेक्ट पे काम नहीं किया है गेटिंग दिस पॉवर्टी रिमूवल पे काम नहीं किया है तो सोसाइटी की जो वेलबींग well है उस पर अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो यू वॉन्ट बी गेटिंग मच रिजल्ट इन द केस ऑफ दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्पेशली इन द कॉन्टेक्स ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन क्योंकि उनकी वहाँ पे बेसिक नीड मूलभूत जो आवश्यकता है रोटी कपड़ा मकान है वही पूरा नहीं हो रहा है तो वो कहेंगे भाई हम सर्वाइव पहले कर लें या एनवायरमेंट को देख लें सो दिस इज द कॉम्पोनेंट नीड टू अंडरस्टैंड हियर ठीक है एक्सक्यूज मी देखिए साइंस एंड टैक पे है जीनोम एडिटिंग का है और गवर्नमेंट ने यहाँ पे अप्रूव किया है कि जीनोम एडिटेड जो क्रॉप्स हैं इनका अप्रूवल इजो बना दिया है ये अलग हैं जीनोम एडिटेड जो क्रॉप्स हैं ये अलग हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स से तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का अभी नहीं है है ना फूड क्रॉप के अंदर कमर्शियल में यू हैव दैट बी टी कॉटन तो ये जीनोम एडिटिंग और जेनेटिकली मॉडिफाइड में क्या डिफरेंस है और ये सब हम करेंगे इसके अंदर मुझे कुछ एडिशन करना है ना वी नीड टू समराइज दिस ये थोड़ा बड़ा हमारे पास है एक ऐसा टॉपिक ये है जिसके अंदर काफी सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते आए हैं तो यहाँ पे कुछ वैल्यू एडिशन मुझे करना है इसलिए अभी इस टॉपिक को आज हम नहीं ले रहे हैं ना वील बी डिस्कसिंग दिस टॉपिक कंप्लीट वे के अंदर कल हम इसे डिस्कस करेंगे और एक श्रीलंका और इंडिया का एक प्रोजेक्ट के अंदर कॉपरेशन है वो भी मैं कल आपका एड करूंगा सो so, अभी के लिए ये आज आपका क्वेश्चन है आज का ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे है सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉल्स फॉर एम्फेसिस ऑन टेकलिंग द क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट एंड डेवलपमेंट नीड्स इन ए वर्ल्ड विथ ग्रोइंग चैलेंजेस इसको इलाबरेट करना है मतलब इसी स्टेटमेंट को और अच्छे से आपको समझाना है खोल के बताना है इलाबरेशन का मतलब फाइन कैसे किया जा सकता है क्या ये स्टेटमेंट है तो ऐसा जब क्वेश्चन आपको दिखता है तो आपको बड़ा खुश हो जाना चाहिए क्यों क्योंकि इंट्रोडक्शन में सोचना नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दो लाइन की डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को लिख दीजिए ठीक है आपको आता होगा जो भी है वो आपके दिमाग में बट एग्जामिनर आपके दिमाग में नहीं जा सकता ठीक है वो जो आपकी कॉपी में है वही वो समझेगा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बहुत अच्छी सी डेफिनेशन है वो आप लिखिए जो डेवलपमेंट है जो प्रेजेंट जनरेशन की नीड को फुलफिल कर रहा है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू फुलफिल देयर ओन नीड्स तो यहाँ से उसको आइडिया लग जाएगा और फिर आप बात करोगे टेकलिंग द क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट को तो टेकल कर ही रहा है डेवलपमेंट नीड के बारे में भी बात कर रहा है तो पॉवर्टी हो गया है ना हंगर हो गया यू हैव दैट एजुकेशन हेल्थ केयर एस्पेक्ट उनको आप मैंशन कर सकते हो ग्रोइंग चैलेंजेस विथ ग्रोइंग चैलेंजेस ग्रोइंग चैलेंजेस से क्या मतलब है कोविड की तरफ इशारा है कोविड की तरफ इशारा है या फिर जिस तरह से हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है वो आप ऐड कर सकते हो ठीक है या आपके दिमाग में जो भी एक्जाम्पल आता है रेलिवेंट है वो आप लिख सकते हो ऐसा नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ वही होगा एन नंबर ऑफ थिंग्स कुड बी देर ये आपके लिए क्वेश्चन है यू हैव टू फिफ्टी वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसी थीम है जिससे हर साल एक नहीं काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं टू फिफ्टी वर्ड आपका है और फिफ्टीन मार्क आप इसको मान सकते हो ट्राई टू राइट द आंसर हियर सो इसके अलावा ये टेलीग्राम ग्रुप है यहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं सेशन का पीडीएफ डी एफ यहाँ पर आपको अपडेट हो जाता है फाइन और जो भी क्लास रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सब आपको यहाँ पर मिल जाती है इसके अलावा अन आपको प्रोवाइड करता है वन पॉइंट सॉल्यूशन फॉर योर कम्प्लीस प्रिपरेशन जहाँ पर घर बैठे आप पूरी यू की तैयारी कर सकते हैं लाइव क्लासेज डाउट सॉल्विंग टेस्ट सीरीज इज देयर स्टडी मटीरियल देयर एवरीथिंग इज देयर इंक्लूडिंग योर जी एस प्रिपरेशन प्री मेन्स सी सेट ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज कीजिए पुट द कोड आई बी लाइक टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड पर्सनलाइज गाइडेंस सिमिलरली यू कैन गो फॉर आइकॉनिक आइकॉनिक की फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे है और ये ट्वेंटी परसेंट आई थिंक दिस इज नॉट देयर कल आपका एंड हो गया था इस पर आपको और अपडेट मिल जाएगा दिन में क्या है आइकॉनिक में आपको लाइव मेंटरशिप पर्सनल कोच के बेनिफिट मिलते हैं केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे होते केवल ऑप्शनल की फीस है और ज़ीरो परसेंट ई के साथ भी आप मूव कर सकते हैं नए बैचेज अभी तीस तारीख से स्टार्ट हुए हैं जिनमें आप अपना सिलेबस पूरा कर सकते हो सो दिस इज़ ऑल और अन अकेडमी स्टोर ओपन हुआ है राजेंद्र नगर में यहाँ पे जाके आप एक्सपीरियंस कर सकते हो अन अकेडमी के प्रोडक्ट्स को और अन अकेडमी की तरफ से फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चलाया जा रहा है तो आप अपना डेफ एनालिसिस मॉक इंटरव्यू के लिए यहाँ पे आ सकते हैं ये अप्रैल फर्स्ट वीक यहाँ से स्टार्ट आपका है Don't forget to share this session with your friends and fellow aspirant and uh, like this subscribe to the let's crack upsc csc to get upsc relevant content